नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज दिल्ली से लेकर पंजाब और राजस्थान तक जबरदस्त सियासी एक्शन वाला दिन था, क्योंकि राजस्थान में उपराष्ट्रपति के दौरे पर वहां की सरकार ने सवाल उठा दिए, यहां तक कह दिया कि 13 महीनों में उपराष्ट्रपति का 17 बार राजस्थान आना साबित करता है कि यह दौरे पॉलिटिकल है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे कांग्रेस की मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करार दे दिया। वहीं रमेश भिदुड़ी को टोंक का इंचार्ज बनाने पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि यह किस बात का इनाम दिया गया है। इस बीच पंजाब में एक जोरदार सियासी जंग छिड़ गई है, जहां 8 साल पुराने केस में पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के बड़े नेता और एमएलए विधायक सुखपाल सिंह खेरा को अरेस्ट कर लिया है। पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इस मुद्दे को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। हालांकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ना जाने किस मजबूरी में खामोश दिख रही है, मजबूर दिख रही है और अपने विधायक के पीछे खड़ी हुई नहीं दिख रही है। उधर मध्य प्रदेश में मंत्री और सांसदों को टिकट देने पर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हताशा है, क्योंकि बीजेपी डर गई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम मजबूती से लड़ाई के मैदान में उतर रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। कौन डर रहा है, कौन लड़ रहा है? एक तरफ पंजाब में कोई डर रहा है या मध्य प्रदेश में कोई लड़ रहा है? आज आर पार जबरदस्त होगा और जोरदार होगा व्यूअर्स। ये दौर है चौतरफा सियासत का, जहां राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक और मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब तक सियासी उठापटक चल रही है। पहले बात राजस्थान की, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये बदलाव का युग है। आपके हर काम को करने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा और ये बदलाव का मौका है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपराष्ट्रपति के लगातार दौरों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उपराष्ट्रपति के सुबह शाम राजस्थान में दौरे करने का क्या मतलब है। उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे, कृपा करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है क्या तुक है? इस बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद शामिल हैं, जिस पर कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए सांसदों को मैदान में उतारा है। तो जवाब में बीजेपी इसे कांग्रेस की हार का डर बता रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास शिवराज सिंह चौहान के प्रति दर्शाता है। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। संकेत है कि बीजेपी राजस्थान में भी यही फॉर्मूला अपना सकती है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान और बढ़ गई है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और विधायक सुखपाल सिंह खेरा को पंजाब पुलिस ने 8 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार कर लिया, तो कांग्रेस पुलिस के इस कदम को जंगल राज बता रही है। असि अपने छोटे भाई सा सुखपाल सिंह खेरा अते उन्हां दी परिवार दे पिछ पिछे खड़े, जिथे भी सानू जाना पिया, जिस कचहरी का भी दरवाजा सानू खटखटाना पिया, असी खटखटा के उन्हां दी पिछ पिछे रहांगे, उन्हें दी जमानत भी करावांगे। 23 में मान साहब की सरकार इसमें SIT का गठन करती है, तो SIT पाती है कि ड्रग तस्करी में सुखपाल सिंह खेरा की इन्वॉल्वमेंट है और आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है। देश का सियासी पारा हर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि इस सियासी घमासान का कितना असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कौन डर रहा है, कौन लड़ रहा है? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं 2024 की मोर्चाबंदी का विश्लेषण। स्क्रीन पे दो तस्वीरें हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी की और एक इंडिया अलायंस की, और इस अलायंस के अंदर एक दूसरे के खिलाफ क्या हो रहा है वो भी हम सब जानते हैं। एनडीए एमपी विधानसभा में उतारे सारे दिग्गज नेता, इंडिया गठबंधन राज्यों में मतभेद, लेकिन मोदी के खिलाफ एकजुट। इनका एक मकसद है नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना, दूसरा मकसद नहीं है। एनडीए राम मंदिर को उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी, और जनवरी के महीने में जब उत्तरायण के दिन होते हैं यानी मकर संक्रांति लोहड़ी के आसपास राम मंदिर में भव्य पूजन रखा गया है यानी प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी मूर्तियों की, और दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे बीजेपी का मुकाबला है। लेकिन सनातन के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी इस गठबंधन के नेताओं ने करी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसका बड़ा नुकसान होगा। और यही कारण है कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव इस गठबंधन से कन्नी काटना चाहते हैं टेम्परेरी से। बढ़ता हूं मैं आगे। गठबंधन के सहयोगी बढ़ाने पर जोर है एनडीए का, हालांकि झटका लगा है एआईडीएमके छोड़ के गया है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल को साथ लेने की एक कोशिश बड़ी है। इसके अलावा भी जेडीएस को जोड़ा गया है। एक सीट पर एक उम्मीदवार देने का फैसला है, यानी एक उम्मीदवार देंगे दिल्ली में, ये अलायंस एक उम्मीदवार देगा बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ। इसी तरह महाराष्ट्र में होगा, इसी तरह बंगाल में होगा, लेकिन ये फॉर्मूला तभी फिट बैठेगा जब कांग्रेस कुर्बानी देगी। कांग्रेस को बहुत सारी सीटें छोड़नी पड़ेगी, तभी खेल बन सकता है। कांग्रेस की मजबूरी का अंदाजा हम उसी से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के एक विधायक को आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, काफी साल पुराने केस में, लगभग 8 साल पुराने केस में। लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे पर, उसकी सेंट्रल लीडरशिप कुछ बोल नहीं पा रही, बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है ये। पीएम मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों एकजुट है। पीएम उम्मीदवार से लेकर सीट शेयरिंग तक एक बड़ा टकराव है इस पूरे अलायंस के अंदर। तस्वीरें इतनी हैं, हम सबकी तस्वीरें तो नहीं लगा सकते, इसलिए हमने संकेतिक तस्वीरें लगाई हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष की आपसी टकराव बीजेपी को मनोवैज्ञानिक बढ़त दे रहे हैं? और बीजेपी को किस सवाल उठ रहे हैं? मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पूरी बैटरी ऑफ लीडर्स को उतार दिया है, यानी बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। तो क्या बीजेपी दम से लड़ने का दिखावा कर रही है, या वाकई दम से लड़ रही है, और या फिर विपक्ष दम से लड़ने का दिखावा कर रहा है? आज हर पहलू पर बात होगी। मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ एनडीए से जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता है। मेरे साथ मलूक नागर है जो कि बहुजन समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के। मेरे साथ वारिस पठान है, उनका अभिनंदन है। एआई एमआईएम के प्रवक्ता है। मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, उनका